फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? रेगुलर फूड किचन में आप सबका स्वागत है। चलिए आज बनाएंगे पास्ता। इनको बनाने के लिए हम पहले पानी उबालने रख दिए हैं। आयन में डाल देंगे नमक। पानी उबल चुका है, इनमें डाल देंगे अब पास्ता। इनको 9 मिनट तक उबालेंगे। आठ नौ मिनट में हमारा पास्ता उबल जाता है। देखिए 8-9 मिनट हो चुका है। अब इनको हम अच्छा से छान लेंगे और ठंडा पानी से 2-3 पानी से धो लेंगे। अब इधर कढ़ाई गर्म हो चुका है, तेल डाल देते हैं और लहसुन छोटा छोटा काट लिए हैं छिल के, इनको हम डाल देंगे। हरा मिर्च और प्याज इनको भून लेंगे थोड़ा सा। अब डाल देंगे शिमला मिर्च, इनको भी 2 मिनट तक भून लेंगे। टमाटर रख दे देते हैं इसमें। टमाटर को थोड़ा हम सॉफ्ट होने देंगे। नमक स्वाद अनुसार डालिएगा। मिर्ची पाउडर, देखिए हमारा टमाटर अच्छा से गल चुका है। अब इसमें डाल देंगे सॉस, टमेटो सॉस। चिली सॉस और थोड़ा सा हम विनेगर भी डालेंगे और सोया सॉस डाल दिए हैं थोड़ा सा। इसे विनेगर डाल दें। इनको थोड़ा सा चला लेते हैं। अब डाल देंगे पास्ता। अच्छा से मिक्स कर लेंगे मसाला और पास्ता को। अब इसमें डालेंगे पास्ता मसाला। देखिए हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। अब इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे दूसरा वीडियो के साथ।